श्रवण किया, सब ट्रांसलेशन करो। इस स्थान का नाम है जगन्नाथ बल्लभ वाटिका। इसका मतलब होता है जगन्नाथ जी का बल्लभ, बल्लभ मतलब होता है प्रिय, वाटिका मतलब जो बाग है, श्री जगन्नाथ जी की बड़ा प्रिय बगीचा था, बड़ी सुंदर बगीचा। इसमें ऐसे कोई फल का वृक्ष नहीं, जो फूल का वृक्ष नहीं, जिसमें ये बगीचा में थी नहीं। हर तरह का फल फूल से एकदम, अभी भी बहुत सारी ये है फूल फल, अभी उस समय सारे फूल फल से लदे हुए थे, बड़े सुंदर। यहाँ सरोवर है, अभी भी सरोवर है, बड़ा सुंदर बगीचा ये थी प्रभुपाद, ये महा जगन्नाथ जी के। और यहीं से जगन्नाथ जी के लिए फल फूल तुलसी का, हाँ तुलसी, ये जितने सारे चीज यहीं से जगन्नाथ जी की सेवा के लिए जाता था। और कभी कभी जगन्नाथ जी, यहाँ पर एक पेड़ है जिसका नाम दहिना है, वो वृक्ष का नाम, उसका पत्ता बड़ा खुशबू है, बड़ा सेंट है उसकी। जगन्नाथ जी की जो माला बनती है, माला में वो पत्ते को लगा करके जगन्नाथ जी को माला पहनाया जाता है, बड़ी खुशबू, उस बड़ा खुशबू वो पत्ते। जगन्नाथ जी कभी कभी यहाँ आकर के ना कृष्ण बलराम दोनों पेड़ को चोरी करते हैं, उनका लीला यहाँ होती है। इसलिए ये इसी में, हाँ इसी इसी इसकी जो बगीचा है आप लोगों ने श्रवण किया, और इसी में देखो ये पीछे श्री राय रामानंद, जो कृष्ण लीला में श्री विशाखा सखी, कल हम जाएंगे उनके स्थान पर, उनकी ये भजन कुटरी है। राय रामानंद गवर्नर थे उस समय, उस समय सबने का गवर्नर है, उसी यहीं पर उनकी ये भजन कुटरी है। एक दिन एक प्रद्युम्न मिश्र था, उन्होंने महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु हम कृष्ण कथा सुनना चाहते। तो इन्होंने बोले देखो जो कृष्ण कथा है ना, मेरे को जितने पता है उससे ज्यादा पता श्री राय रामानंद, क्योंकि जो राय रामानंद विशाखा सखी है, इसलिए भगवान को जैसे रसगुल्ला में क्या टेस्ट है वो रसगुल्ला को पता नहीं, वो रसगुल्ला को जो खाते हैं ना उनको पता उसमें कितना टेस्ट है, इसलिए ये भक्त हैं। कहते मेरी कथा मेरे को जितने पता है उससे ज्यादा पता है श्री राय रामानंद को, तुम चली जाओ राय रामानंद से कथा सुना। वो प्रद्युम्न मिश्र यहाँ पर आया, राय रामानंद उस समय में एक जगन्नाथ बल्लभ एक नाटक उन्होंने लिखा है, जगन्नाथ जी का प्रिय एक नाटक है, जिस नाटक के ऊपर में यहाँ पर लड़कियों को 15-15, 20-20 साल लड़कियों को उन्होंने अपना हाथों से उनको श्रृंगार कराया करते थे, शरीर में तेल लगाना उनको श्रृंगार करते थे। जब वो प्रद्युम्न मिश्र आया कथा सुनने के लिए, महाप्रभु भेजे, बोले वो राय रामानंद क्या कर रहे हैं, बोले अभी कुछ काम कर रहे हैं, बोले क्या काम कर रहे हैं, बोले ये लड़कियों को श्रृंगार कर रहे हैं, वो जगन्नाथ जी के सामने ये नृत्य करेंगे। इतना सुनते ही ना उनका मन तो एकदम इकट्ठा हो गया, मन खराब हो गया, ये कैसे कथा किससे सुनने के लिए आए हैं, जिनका कोई चरित्र ठीक नहीं है, इतने कम कम उम्र लड़कियों को अपने हाथों से ये श्रृंगार कर रहे हैं और उनको मैसेज कर दी, कैसे साधु है उनका प्रति, तो इनका मन खराब हो गया, वापस चले गए। बोले कहाँ, बोले महाप्रभु के पास में, बोले प्रभु मैं कथा आपसे सुनना चाहता हूँ, आप सुनाओ। महाप्रभु सर्वोत्तर जी हम सब जानते हैं, बोले नहीं कथा सुनना तो वही सुनना, या नहीं वही जाओ। फिर आए, फिर उनको चरण में गिरे, महाप्रभु बोले कथा सुनाओ। जब उन्होंने कथा सुनाया ना, क्या उन्होंने कथा सुनाई, इतने सुंदर उनकी कथा, इतने मधुर, इतने रस, इतने सिद्धांत कथा था, जिसको सुन सुन करके वो प्रेम रस की जो ममता की धारा में ना वो बहते हुए पता नहीं कहां से कहां तक बह करके चले गए, इतने सुंदर उनकी कथा थी। जब उन्होंने उनसे कथा सुनी ना, फिर उनके चरण में वो गिर पड़े, बोले आपका प्रति तो मेरा मन खराब हो गया था, जब मैंने सुना इतने कम उम्र लड़कियों का आप श्रृंगार करते हो, मैंने किससे कथा सुनने के लिए आए जिनके चरित्र फिर से कुछ है नहीं है, मेरा तो बड़ा भ्रम हो गया था, मेरा मेरे में ठीक से बैठे उत्तर माला मत बंद कर, इसलिए बोले मेरे तो आपका प्रति हमारी घृणा भावना हो गया, अच्छा हुआ आपसे हमने कथा सुनी, हमारी जो भ्रम है सारे भ्रम हमारी नष्ट हो गई। महाप्रभु राय रामानंद के लिए कहते हैं, बोले मैं सन्यासी हूँ,
यदि ये स्त्री जो है वो माया के रूप है, वो इतने उनमें आकर्षणिया है, मैं जैसे महाप्रभु कहते हैं कहते दारु रूप प्रकृति हरे मुनि रभिमान। मुनियों का मन दारु मतलब लकड़ी, लकड़ी का जो स्त्री है ना, वो लकड़ी का स्त्री, एक लकड़ी का स्त्री भी हो कहते बड़े बड़े मुनि लोगों का मन भी उसमें भ्रमित हो जाता है, उसमें भ्रमित हो जाता है। इसलिए शास्त्र में बताया मात्रा शस्त्रा द्विताभा न विविधता सन बसे बलवती इंद्रिय ग्राम विद्वान से अभी कर सकते। इसका मतलब जो साधन भजन करते ना साधु लोगों के लिए सावधान कर रहे हैं, साधुओं को क्या सावधान कर रहे हैं, कहते अपना माँ के पास में इकट्ठे साधु मत बैठो, जब बेटा जवान हो जाए ना कहते अपना माँ के पास में मत बैठा करो, अपना बेटी को साथ में मत बैठा करो, अपना बहन को साथ में मत बैठा करो, हैं? क्योंकि ये जो इंद्रिया है इतने प्रबल, ये इंद्रिया है बड़े बड़े साधु बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो ये श्लोक को श्री व्यास देव जी लिखे थे, उनका एक चेला था, उनका चार चेले थे, एक चेला ने ये श्लोक को पढ़ करके बोले बेकार श्लोक है, अपना मैया को साथ में अपना बहनी अपना बेटी को साथ में मना करता है मत बैठा करो, जो भजन साधन करना चाहते हैं ये कोई हो सकता है, मैया अपना माँ है बेटी है बहन ये कैसे बात है, बोले ये बात हम नहीं मानते। बोले व्यास देव गलती लिख दिया, व्यास देव जी ने कहा तेरे को हम दिखाते थे, इसका प्रमाण देता हूँ ये भजन करते थे पहाड़ के ऊपर बर्फ के ऊपर में वो साधु भजन करता था। एक दिन क्या हुआ उन्होंने एक दिन क्या हुआ व्यास देव स्वयं एक लड़की का रूप धारण किया, लड़की का रूप धारण करते शिष्यों को बताने के लिए देखो ये माया कितने प्रबल है, बड़े बड़े विद्वान का बुद्धि कैसे ये भ्रष्ट कर देती है। स्वयं व्यास देव की लड़की बन करके उन्होंने बहाना बनाया, उन्होंने एकदम पतला कपड़ा पहन लिया और बर्फ है ऊपर में और जोर से रोने लग गए, बचाओ, ये भजन कर रहे थे हरे कृष्ण कर रहे थे, इतने में एक लड़की की आवाज सुने, बोले लड़की बोल रहे क्या जरूरत नहीं, लेकिन वो उनको तो परीक्षा करना चाह रहे थे, इतने जोर से चिल्ला लग गए, बोले मैं मर गई बचाओ कोई हो तो बचाओ। संतों का हृदय दयाल, बस देखते हैं भैया कोई लड़की रो रही है, आग रखते का सचमुच से एक जवानी लड़की एक पतला कपड़ा पहने हुई, कपड़ा भीगा हुआ कपड़ा है, उसने जाकर के देखा छटपट छटपट कर रही थी, इतने में उन्होंने कंडा जला कर किस तरह से शरीर को सहवाया है, उसे जितने मर जाएगी कंडा जला कर सहवाया सेवा करके, बोले तुम जाओ, बोले ठीक है बाबा आपने बचा दिया। उसने आ करके अपना दरवाजा बंद करके कुटिया थे भजन करने लगा, हरे कृष्ण जब भजन करने लगे ना और भजन मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बार वो माया को देख लिया ना, वो एक बार स्त्री को देख लिया, इनका मन में चंचलता और भजन मन नहीं लग रहा था, उन्होंने बड़ी कोशिश की भजन में मन लगाने के लिए, फिर उन्होंने वो जो लड़की को ना एक रूम में अंदर में दे दिया, बोले रूम में रहो लेकिन दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन इसे रहा नहीं गया, उसे भजन में मन नहीं लगा, फिर गया वो लड़की को पास में और उन्होंने बोल दिया दरवाजा नहीं खोलना, ये जाकर खुद दरवाजा खटखटाया, उसको बोल दिया दरवाजा नहीं खोलना, वो लड़की दरवाजा खुली नहीं, जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तोड़ देगी, नहीं खुली तो उसने वो छत पर गया, छत पर जाकर छत को तोड़ करके उसने ऊपर से उसने छलांग लगाया, क्योंकि वो स्वयं व्यास देव, वो लड़की नहीं वो व्यास देव थी, उस छत को पर जाकर तोड़ कर छलांग लगाया, जब छलांग लगाकर उसको पास में गए उनका हालिंगन करने के लिए, इतने में व्यास देव जी ने स्वयं प्रकट हो गए और उनको एक थप्पड़ लगाया, पैर में एक लात लगाया, बोले क्यों मैंने जो श्लोक लिखा था ये माया की इतने प्रबल है, अपना माँ अपना बहन अपना बेटी को साथ में भी पास में मत बैठा करो, हाँ जिनकी भजन करने की इच्छा है ये इंद्रिया इतने प्रबल होता है, बड़े बड़े विद्वान का बुद्धि भी भ्रमित कर देता है, सही ना गलती है। गुरु जी की चरण में गिर गए, बोले गुरु जी आप सही बताएं। महाप्रभु कहते हैं ये जो राय राम आनंद है ना,
वो इतने बड़े संत विशाखा सखी है ना, वो साधारण अजीब तो है नहीं है। कहते विशाखा सखी ये स्वयं इतने 15, 16, 20 साल उम्र लड़कियों को अपने हाथों से श्रृंगार ही करते हैं, लेकिन इनके शरीर में कोई विकार नहीं, क्योंकि ये विशाखा सखी है। इसलिए प्रद्युम्न ब्रह्मचारी कथा सुने, इनके चरण में माफी मांगे, प्रभु मेरी अपराध हो गया, आपके चरण में हमारी गलती भावना हो गई थी, आप इतने सुंदर रस कथा सुनाए, यही प्रवृत्ति। और आप लोगों ने सुना जब जगन्नाथ जी रथ आती थी ना, यहीं पर सामने खड़े रहते थे कुछ समय के लिए, महाप्रभु राधा भाव में विभावित होकर के महाप्रभु यहीं पर आकर के इसी बगीचा में किसी पेड़ पर जड़ में सर देकर सोते थे, और वही मैं राधा हूँ, आप वही कृष्ण हो, हैं? बड़े दिनों के बाद आपको साथ में मुलाकात होगी। और राजा ने बताया था, महाप्रभु ने राजा को बताया था, मैं राजा से विशेष विषय से नहीं मिलता हूँ, आप तो भोगी, आपको देख करके मेरे हृदय में संसार की वासना नहीं हो। लेकिन जब उन्होंने देखा स्वयं राजा जगन्नाथ जी की मंजिल के सामने झाड़ू से झाड़ू लगा रहे, महाप्रभु देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले उत्तम हैया कर अधम सेवन, कहां राजा और कहां झाड़ूदार, राजा होकर झाड़ू की सेवा कर रहे हो, महाप्रभु इतने रीझ गए, क्यों जगन्नाथ वही जगन्नाथ है ना, बोले तेरे को जरूर कृपा कर, तेरे ऊपर जरूर मैं कृपा करूंगा। इसलिए उन्होंने कृपा कैसे की, उन्होंने बोले थे राजा से मैं नहीं मिलूंगा, उनका बेटे से मिले इतने में, लेकिन महाप्रभु का जितना भक्त है ना सब खुश थे राजा के ऊपर, क्यों राजा जितने सेवा करता था भक्तों का, क्योंकि सत्य युग में जो इंद्रदत्त था वही महाप्रभु का समय में प्रताप रुद्र बन कर आया, इंद्रदत्त राजा जिसने जगन्नाथ जी का स्थापन किया था। इसलिए उन्होंने भक्तों की सेवा से भगवान खुश होते हैं, और किसी चीज से भगवान खुश नहीं होते हैं, भक्त सेवा से ही खुश होते हैं, भक्तों का इच्छा कृपा कर महाप्रभु लोग को शिक्षा देने के लिए नहीं करते थे, लोग क्या समझेंगे, लेकिन यहीं पर आकर के उन्होंने महाप्रभु के चरण की सेवा की, भक्त बुला करके बोले कपड़ा पहन लो, महाप्रभु का चरण सेवा कर और गोपी गीत को गाओ, गोपी गीत को गाते गाते जब उन्होंने बोले बोले तब कथा मृत तप्त जीवन खुश हो गए, उन्होंने उनका आलिंगन किया, कौन है मेरे को इतना रस पिला रही है, कौन है मेरे को इतना रस पिला रही है, फिर महाप्रभु अपना उनका ऐश्वर्य दिखाया, उनको बड़ा आशीर्वाद दिया है। और यहीं पर जगन्नाथ जी को चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, इतने तरह तरह का उनको भोजन अन्न व्यंजन, कितने तरह तरह का उनको भोग लगाया करते थे जगन्नाथ जी को। और इसी में चैतन्य महाप्रभु गंभीराम रहते थे, कभी कभी इसको यहीं पर आ जाते थे राधा रानी के भाव में, जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के कहा वो श्याम सुंदर, कहा वहां श्याम सुंदर, महाप्रभु इसी बगीचा में आकर के जैसे श्याम सुंदर के सिर्फ पेड़ की आड़ में चुप रहे, इसलिए महाप्रभु राधा रानी भाव से यहाँ पर दर्शन दिया, महाप्रभु भागते हुए वहां जाते हैं, देखते वहां नहीं और एक पेड़ को नीचे महाप्रभु कृष्ण वहां दर्शन दे रहे हैं, यहाँ पर एकदम कृष्ण प्रेम महाप्रभु उन्माद ग्रस्त होकर के इसी को वृंदावन मान करके सुंदर पूर्णिमा के चंद्रमा उसका किरण छिटक रहे हैं, और चारों तरफ उद्भासित आलोक में यहीं पर महाप्रभु जी एकदम उसी भाव में डूब करके राधा जी के भाव में महाप्रभु यहीं पर चले आते थे, कभी कभी राधा जी के भाव में यहीं पड़े रहते थे, फिर भक्त लोग आकर के महाप्रभु यहीं से उठा करके ले जाते थे, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी लीला हुई, इसलिए इसका नाम श्री जगन्नाथ वल्लभ वाटिका।
बल श्री जगन्नाथ बल्लभ वाटिका की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। सुदर्शन चक्र की जय। राय रामानंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंद देव हरे कृष्ण टुमरो।